हाय, ऐसे शर्मा हाथ लगा के क्या बैठी है तू आज? कुछ नहीं यार मम्मी, थोड़ा सर दर्द हो रहा है यार, प्लीज अकेले छोड़ दे। गैस नहीं होगी तेरे को? गैस नहीं हो रही है यार मम्मी, हर चीज गैस थोड़ी ना होती है। फिर शर्मा हाथ क्यों लगा रखा है तेरे को? मैंने कहा ना, मैंने शर्मा हाथ नहीं लगाते हैं करके। अरे पता नहीं मम्मी, मन बड़ा अजीब सा हो रहा है मेरा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है अभी। कल रात को पापा ने डांटा, इस चक्कर में बुरा तो नहीं लग रहा है तेरे को? पागल हो गई है क्या तू, रोज ही सुनाते हैं। मम्मी मैं बहुत लोनली हो गई हूँ यार आजकल। क्या लोनली? लोनली नहीं, लोनली, अकेला अकेला लगने लग रहा है मेरे को आजकल। क्यों अकेला क्या लग रहा है? शादी कर ले खा रही हूँ, फिर अकेले से दुकेली हो जाएगी तू। ये ना एक उम्र में होता है, सब बुरा लगता है, अंदर से रोना भी आता है। जब मैं नई नई शादी करके गई ना, मैं तेरे पापा के आगे रोती थी, तेरे पापा कहेंगे नाटक क्या कर रही है। फिर धीरे धीरे मेरा दिल मजबूत हो गया, फिर तुम पैदा हुए तो दिल के ऊपर पत्थर की परत लगा दी तुमने। अब मेरे को बुरा ही नहीं लगता, तेरे को भी लगना बंद हो जाएगा। तुम्हें शादी कर ले पहले। मुझे शादी से कुछ नहीं होता यार, एक तो तेरे से कुछ पूछने लगो तो तू अपनी गाथा गाने लग जाती है। अब मैं तो तेरे को समझा रही हूँ, कुछ नहीं होता बेटा। तभी तो तुम लोगों के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए यार, अब अकेले बैठी थी चुपचाप से यहाँ पर आ गई और मेरा दिमाग खराब करने के लिए। ये देखो, एक तो मैं तेरे को समझा रही हूँ, ऊपर से क्या हो रहा है? मत समझा यार मम्मी, मत समझा, रहने दे, मैं बात कर लूंगी, बहुत दोस्त है मेरे पास बात करने के लिए। बस दोस्तों ने तो आ लगा रखी, सत्या नाश हो गया तेरे तो दोस्तों का, इन्होंने हमारा घर खराब कर रखा। सुनते हैं वो लोग, कम से कम तेरे तेरे थोड़ा बोलते हैं कि सबको होता है। तेरा सामान पैक कर देती हूं, उनके घर चली जाऊंगी यार, वही समझाएंगे तेरे को। चली जाऊंगी, जबान चलाती रहती है जब देखो बढ़िया हो रहा है तेरे साथ। तेरे को होना चाहिए लोनी लोनी बार बार। लोनी नहीं, लोनली। मम्मी मुझे तो लग रहा है मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, तू और पापा इतना कलेश करते हो ना। सबके घर में होता है कलेश बेटा, कैसी बात कर रही है? किसी के घर में नहीं होता यार मम्मी, जितना तुम्हारे घर हमारे घर होता है। मेरे को पता है होता है, सबके घर में हर पति पत्नी लड़ते हैं। तो तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहती है फिर? मैं भी लड़ूंगी फिर उसके पास साथ। तो क्यों लड़ेगी तू? मैं समझाऊंगी तेरे को, सबके पति नहीं होते ना बेटा ऐसे। हाँ तो समझाएगी, नानी ने तुझे समझा दिया, अब तू मुझे समझा। नानी तक मत पहुंचा कर तू बात, मेरे मायके वालों की बात मत किया कर, मेरा गुस्सा आ जाता है। मम्मी यार इसको डिप्रेशन कहते हैं, धीरे धीरे ये चीज डिप्रेशन बन जाती है फिर। क्या हुआ डिप्रेशन? बवासीर जैसा? नहीं यार बवासीर नहीं होता, डिप्रेशन मतलब तुम्हें दिमाग में कुछ मतलब चलता रहता है तुम्हारे, और तुम्हें ऐसा मन करता है कि तुम सुसाइड कर लो। बाबा श्री तो भाई है, तेरे पापा जी को हुआ जब ना, तो उनको भी कहती थी मेरे पेट में कुछ चलता रहता है करके। फिर बेचारे जाने वाले में बाथरूम दिक्कत होती थी, फिर कहने वाले मेरे को बाबा श्री है, मैं ऑपरेशन से डरता हूँ। अब ऑपरेशन करा के बढ़िया थी चटनी खा के गए हूँ, तू भी देख ले डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो समझती नहीं यार मम्मी, जाए यार यहाँ से, पता नहीं क्या बवासीर बोलने लग गई डिप्रेशन को। मेरे सामने बोल दिया, किसी के सामने मत बोल देना बाहर। डिप्रेशन जो होता है ना, मन के मन में जब भाव नहीं आ रहे होते हैं तब होता है डिप्रेशन। तेरे भी आए क्या कभी? एक बार मैं डॉक्टर के पास गई ना, मेरे को अजीब सा हो रहा था, तुम लोग थे ट्यूशन गई थी तू। अच्छा। तो मैं गई डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर ने कहा तुमको डिप्रेशन का पहला लक्षण है करके, तो मेरे कह रहे थे दवाई खाओ एक महीने की, तुमको आराम हो जाएगा, अपनी बातें बताया करो। फैगेटिस्ट जैसा कहा कुछ, फैगेटिस्ट बताता है को बातें बताना पड़ा, साइकेट्रिस्ट ऐसी कोई नाम था। फिर तो फिर खरे मैंने कहा क्या करता है इलाज, खरे सुनता है। मैंने कहा सुनने के लिए पैसे दूंगा उसको, इससे अच्छा मैं बगल में पापी की मम्मी को नहीं बताऊंगी। फिर मैंने पापी की मम्मी को कहा, पापी की मम्मी कह रही मेरे को भी होता है। बाद में पता चला ये 35 साल के बाद सबको हो रहा था। अरे ये बीमारी नहीं होती है डिप्रेशन बेटा, होता है बस सारी औरतों को, ये हमारी किस्मत में ही हुआ रे, भोगना होता है ना औरतों को ये हुआ क्रम। तभी तो तेरे से करती हूँ पूजा पाठ क्या कर बेटा। जब से मैंने पूजा पाठ करना शुरू करा, व्रत करने शुरू हुए, मेरा सारा डिस्प्रेशन खत्म हो गया। तो इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, सबको होता है डिस्प्रेशन यार, तो ऐसा मत सोचा। मम्मी चुप रहा है, मैं भी पता नहीं किसको बताने के लिए आ गई यार। डिप्रेशन इज फॉर रियल, सच में होता है आजकल, सब टीनेज और हमारे बराबर की और सब बुढ़े औरतें और सब लोगों को हो रहा है। आप होगा ना तुमको डिप्रेशन, क्योंकि तुम्हारे पास आजकल गाड़ी घोड़ा लगता कपड़ा सब कुछ है, तुम्हारी हर चीज इच्छा पूरी करने के लिए माँ बाप है, काम करने के लिए तुम्हारी नौकर जी मम्मी है, तो तुमको डिप्रेशन होगा क्यों नहीं होगा? मम्मी आत्महत्या कर लेते हैं लोग इसमें, सुसाइड यार, समझ क्यों नहीं रही है? तेरा भी मन आता है सुसाइड करने का? जैसे तू मेरे को समझा रही है अब लग रहा है आ ही जाएगा। तूने करेगी मैं सुसाइड? हाँ कर लूंगी मैं गुस्से में। कर ले फिर सुसाइड, जा बैठा वाले कमरे में मत जाना, अंदर वाले कमरे में कर ले जरा, वो पंखा भी हिला है थोड़ा, उसमें लटकेगी तो नीचे गिरेगा, तो गर्मी आ रही है ना, तेरे मरने से पहले पंखा वंखा साफ हो जाएगा मेरा। जा मोटी जैसी पंखे में लटकेगी यहाँ, माँ खराब करते डिप्रेशन डिप्रेशन। एक तो तेरे पापा ने मेरे को डिप्रेशन दे रखा, तुम भी तो मेरे को डिप्रेशन हो गया। शादी कराती हूँ।